हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल चारो 313। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज हम देखेंगे आप जिस पर्सन को पसंद करते हो, जो आपके क्रश हैं, वो आपके लिए करंटली इस टाइम कैसा फील कर रहे हैं, वो आपके लिए कैसा महसूस करते हैं, उनके क्या इमोशंस हैं आप लोगों को लेके। सो गाइस, आज हम देखेंगे, ठीक है। इट कुड बी योर फ्रेंड, योर रिलेटिव्स, व्हाटएवर, कोई पर्सन भी हो सकता है जिसके साथ आप पहले कभी कनेक्शन में रहे हैं, ये वो पर्सन भी हो सकता है। बट रीडिंग जो है वो कलेक्टिव है, जनरल है, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। सो जितना रेजोनेट करता है उतना रखें, बाकी को जाने दें। चैनल पे न्यू है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल आपको इंस्टाग्राम और इसी चैनल के अबाउट में मिल जाएगा। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव। इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए, मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी रीडिंग लेके आती रहूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा गाइज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को। चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जिनको आप पसंद करते हो, जो आपके पार्टनर्स हैं, नॉट पार्टनर्स, आपके क्रश हैं, आपका लवर है, आप उसको पसंद करते हो, तो देखते हैं वो आपके लिए इस टाइम कैसा महसूस करते हैं, क्या वो भी आपको पसंद करते हैं, आपके बारे में कैसा सोचते हैं एंड कैसा महसूस करते हैं वो आप लोगों के लिए। सो लेट्स सी मेरे व्यूवर्स के क्रश उनके लिए कैसा फील करते हैं एंड कैसा सोचते हैं। सो गाइस, फर्स्ट वी हैव सिक्स ऑफ कप्स। यस डेफिनेटली दिस इज योर फ्रेंड, चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है आपका, स्कूल कॉलेज का फ्रेंड हो सकता है। व्यूवर्स के क्रश की फीलिंग्स। देन वी हैव फाइव ऑफ पेंटिकल्स, एज ऑफ कप्स, या इज योर क्रश हाई प्रेस्टिस। यहाँ पे वाटर एलिमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एट ऑफ वेंट्स, बॉटम ऑफ द डेक है टू ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड टॉप ऑफ द डेक है हमारे पास पेज ऑफ वेंट्स। पेजेस के दो यहाँ पे कार्ड हैं, एरिस लियो सैजिटेरियस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो। पाइसिस यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपके क्रश गाइस, जिस पर्सन को आप पसंद करते हो, वो आपके लिए कैसा फील करता है, कैसा सोचता है। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये पर्सन आपका फ्रेंड हो सकता है, बट आपका आपकी बात नहीं होती इस पर्सन से। पहले कभी आपकी बात होती थी तो होती होगी, बट अब नहीं होती, ठीक है। सो इनकी आपको लेके इस टाइम फीलिंग्स क्या हैं? डेफिनेटली ये आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके साथ बिताया हुआ टाइम, आप लोगों से जो ये बातें करते थे, आपके क्रश आपका ऑब्वियसली फ्रेंड था। आप में से हो सकता है कुछ लोगों ने इसको डेट भी किया हो, मुझे सबका नज़र नहीं आ रहा, बट मुझे कुछ लोगों का नज़र आ रहा है। सो आई फील लाइक दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू अ फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी, ठीक है ना। फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ भी ये पर्सन को काफ़ी ज़्यादा फेस करनी पड़ रही हैं इस टाइम, बट आई फील लाइक ये अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन में भी खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये पर्सन मेडिटेशन भी कर रहा है गाइस, फाइनेंशियली ये स्टेबल नहीं है पर्सन। सो आई फील लाइक दैट्स वाई आपसे बात नहीं कर रहा, या आपकी तरफ अभी ऑफर नहीं लेके आ रहा, क्योंकि आना चाहता है आपके पास। ये पर्सन जो भी है ना, ये क्रश आपका, चाहे आपका नेबरहुड, ये नेबरहुड भी हो सकता है, आपकी फैमिली में से कोई रिलेटिव हो सकता है आपका, बट आप लोग भी इसको जानते हो और ये पर्सन भी आपको जानता है, ठीक है ना। जानते हो, मैं ये नहीं कहूँगी कि जानते नहीं हो, जानते आप दोनों एक दूसरे को हो, बट इस टाइम आपका बात नहीं हो रही और ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है। ये जो आपका क्रश है, ये आपको मैसेज करना चाहता है। सो आई फील लाइक या तो आप सोशल मीडिया के थ्रू ही एक दूसरे को मिले हो, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टिव हुए हो, या आप लोगों को अट्रैक्शन एक दूसरे से महसूस हुई है, आपने एक दूसरे से मैसेजेस पे भी बहुत ज़्यादा चैटिंग की है, बात की है, बट किसी वजह से आपकी बात नहीं हो रही। या तो ये जो आपका क्रश है, ये इस टाइम अपनी फाइनेंसिस पे फोकस्ड है, क्योंकि ये फाइनेंशली स्टेबल नहीं है, और आप लोगों से बात ना होने की वजह से भी ये पर्सन को काफ़ी ज़्यादा लॉस्ड फील हो रहा है। यहाँ पे ये भी सिचुएशन है कि हो सकता है आप लोग पहले इस पर्सन को चेज करते थे, ये पर्सन रन कर रहा था, अब आप लोगों ने चेज करना इसको छोड़ दिया है, दैट्स वे वो चीज़ इसको बोदर कर रही है, इसको अच्छी नहीं लग रही वो चीज़, इसको लग रहा है जैसे
आप लोगों को पता नहीं क्या हो गया, आप इतने चेंज हो गए हो, आप लोगों ने इस पर्सन से बात करना भी छोड़ दी है, तो उस वजह से ये काफ़ी खुद को तन्हा फील कर रहा है। बट मैं वही कहूँगी कि आपसे बात करना चाहता है, ये मूवमेंट चाहते हैं इस कनेक्शन में भी और आप लोगों से बात करने में भी। यहाँ पे कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, बट ये पर्सन ट्रैवल करके आप लोगों के पास आना चाहता है, आप लोगों की तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड है और आप लोगों को मैनिफेस्ट भी कर रहा है। ये जो आपका क्रश है, आप लोग भी मैनिफेस्ट कर रहे होंगे कि आपसे बात करें, बट ये भी मैनिफेस्ट कर रहा है। ये एक मुझे स्पिरिचुअल कनेक्शन नज़र आ रहा है गाइस, लाइक दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट। हाई प्रिस्टीज की एनर्जी है, ये पर्सन आपको हाई प्रिस्टीज की तरह देखता है कि यू गाइज आर वेरी इंटेलिजेंट, वेरी मिस्टीरियस, वेरी नॉलेजेबल, काफ़ी ज़्यादा आप लोग समझदार हो, काफ़ी इंट्यूटिव हो। मे बी आप लोग इस पर्सन से कोई ना कोई ऐसी बातें भी आपने की हैं जहाँ से इस पर्सन को लगता है कि ये पर्सन बोलता भी कुछ नहीं है और आप लोग वो चीज़ इसको बोल देते हो। मतलब ये कैसी फील कर रही है, ये पर्सन क्या सोचता है, आप लोगों को पता चल जाता है। बट ये पर्सन को पता है आप लोग सिंगल हो, यू गाइज आर टोटली वर्जन, टोटली सिंगल, क्योंकि डेफिनेटली आप लोग पसंद तो इस पर्सन को करते हो ना। तो ये आपका जो पर्सन है ना, ये जो क्रश है, ये आपके साथ यूनियन करना चाहता है। यस, 5D लेवल पे कनेक्शन है गाइज आपका, बात नहीं हो रही लेकिन एक दूसरे को फील करते हो, आप एक दूसरे की एनर्जी महसूस करते हो। तो ये खुद को मेडिटेट भी कर रहा है और हो सकता है आप लोग खुद हीलियर हो सकते हो। ये पर्सन आपको देखता है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा आपकी एनर्जी बैलेंस्ड है, लाइक ये पर्सन को, ये जो आपका क्रश है इसको लगता है यही इंटरेस्टेड है आप में, इसी को ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रही है रेदर देन यू, क्योंकि आप लोग अपने आप पर फोकस्ड हो, आप लोग अपने काम पर फोकस्ड हो। मे बी आप लोग कोई हीलर हो सकते हो या आप लोग योगा मास्टर हो सकते हो सकता है आप लोगों को दूसरों को हील करते हो, ये भी सिचुएशन यहाँ पे है। बट इसको लगता है कि आप लोग इस पर्सन को भी हील कर सकते हो, सो दैट्स वाई ये आप लोगों के साथ यूनियन करना चाहता है आपका क्रश, और आपको मैसेज करना चाहता है एंड आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहता है, ठीक है ना। सो आप लोग इस पर्सन की तरफ से, ये जो आपका क्रश है ना, इसकी तरफ से आपको मैसेज रिसीव हो सकता है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मैसेज। कॉल की बात नहीं करूँगी, मैसेज लग रहा है क्योंकि ये दोबारा फ्रेंडशिप करना चाहता है आप लोगों के साथ। फीलिंग्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस पर्सन की मैच्योर नहीं है, आप लोगों में से कुछ लोगों का एज डिफरेंस भी हो सकता है, बट ये बात करना चाहता है आप लोगों से। तो कुछ लोगों को इस पर्सन की तरफ से मैसेज 8 days 8 hours में भी रिसीव हो सकता है, और ज़्यादा डिले में देखूँ तो यहाँ पे 8 months भी लग सकते हैं। इस पर्सन की एज 26, 25, 22, 28 या मुझे ये नज़र आ रही है 20+ है इस पर्सन की एज अभी तक जो मुझे नज़र आ रही है। 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, 21 भी हो सकती है एज। चलिए मज़ीद देखते हैं आपके क्रश और आप लोगों के लिए कैसा महसूस करें। बट आप लोग इस पर्सन के लिए एक प्रिस्टिस की तरह हो, हाई प्रिस्टिस की तरह, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग, बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस। आप लोगों के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है इस पर्सन को बिल्कुल आइडिया नहीं है। इसको लगता है आपको, जैसे मैंने पहले बताया, इसको लगता है ये ज़्यादा अट्रैक्टेड है आप लोगों की तरफ, आप नहीं हो इसमें इंटरेस्टेड, बट ऐसा नहीं है, आप लोग तो इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड हो इसमें, तभी तो रीडिंग को देख रहे हो। तो ये आपको बहुत मिस कर रहा है क्योंकि ये आप पर्सन आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन फील करता है थ्रू ड्रीम्स भी। मे बी ये पर्सन आपको ड्रीम्स में भी देख रहा है बहुत ज़्यादा। ब्लू कलर आपका, ब्लैक कलर, ब्लैक, ब्लू, पिंक आपका या इस पर्सन का फेवरेट कलर हो सकता है, या आप लोगों को इस कलर के ड्रेस में देखना इस पर्सन को अच्छा लगता है, आप लोग गुड लुकिंग लगते हो, प्यारे लगते हो, वट एवर यू आर ही और शी। व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स क्या है आपके लिए। देन वी हैव चाइल्ड, यस चाइल्डहुड फ्रेंड हो गाइज आप लोग एक दूसरे के, चाइल्डहुड से जानते हो आप दोनों। 18 आपकी एज भी हो सकती है या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 18, 8, 5, 2, 6, 22। आपसे जैसे रहने तो आप लोगों ने वैसे लेना। देन वी हैव मेन मेल, यस ये पर्सन आपसे शादी करना चाहता है गाइस, और आपकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन बनना चाहता है कि जिसकी आप लोगों की लाइफ में उसके अलावा किसी और की कोई इंपॉर्टेंस ना हो। डेफिनेटली ये चाहता है आप लोग इसको इंपॉर्टेंस दो, इसको अपने लाइफ में प्रोमिनेंट रखो।
ये वो पर्सन भी हो सकता है जो पास्ट में आपके साथ फ्लर्ट कर रहा था बट नाउ दे आर सीरियस. 34 ऑक्यूपेशन, यस आपका जॉब बिजनेस सेम हो सकता है, या तो आप लोग या ये पर्सन ड्रेस डिज़ाइनर या फिर टेलर हो सकते हो, स्टिचिंग वगैरह का काम हो सकता है इस पर्सन का या आप लोगों का. ड्रेस डिज़ाइनिंग की भी मुझे यहाँ पे ऐसे आ रही है ऑक्यूपेशन, बिकॉज आपका सेम ऑक्यूपेशन है गाइस. ये पर्सन आपका बॉस भी हो सकता है या आप लोग इस पर्सन के बॉस हो सकते हो. सो 34 आपकी एज हो सकती है या इस पर्सन की हो सकती है. 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 17 भी डेट ऑफ बर्थ या फिर एज हो सकती है इस पर्सन की. बट मुझे यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा एज नज़र नहीं आ रही है, मुझे काफ़ी यंग लग रही है आप लोगों की भी और इस पर्सन की भी एज. मेच्योर वीमेन, यस कुछ लोग यहाँ पे मेच्योर भी हो सकते हैं, ठीक है ना. एज डिफरेंस हो सकता है कुछ लोगों का, सबकी बात नहीं कर रही. 16 नंबर इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए किसी तरह से. सो यस कुछ लोगों का एज डिफरेंस है, सबका नहीं है बिकॉज दिस इज आर जनरल रीडिंग. देन वी हैव फॉल्स पर्सन, यस आप लोगों को नहीं पता गाइस इस पर्सन के बारे में. या तो इस पर्सन ने पहले आपको चीट किया है, धोखा दिया है, अपने फेस पे मास्क चलाया रखा है, आपके साथ प्लेयर की एनर्जी थी इस पर्सन की, फ्लर्ट कर रहा था, बट अब ये पर्सन आप लोगों के लिए सीरियस है. आप लोगों को लग रहा था कि ये आप लोगों के साथ फ्लर्ट कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर रहा है, बट अब ये सीरियस है. सो चलिए मज़ीद देखते हैं कि उनकी रोमांटिक फीलिंग्स क्या हैं आपके क्रश की आप लोगों के लिए. लव योर सेल्फ फर्स्ट, यस आप लोगों के जो ये क्रश है इसको पता है आप लोग अपने आप से सबसे ज़्यादा प्यार करते हो. आप लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई ये पर्सन रोमांटिकली अट्रैक्टेड हो रहा है आप लोगों की तरफ, बिकॉज आप लोग खुद को प्रेफर करते हो सबसे पहले. आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गाइस और काफ़ी ब्यूटीफुल भी हो. किसी कोई क्या सोच रहा है, कैसा फील कर रहा है आप लोगों को शायद इसके बारे में पहले पता चल जाता है, और ये इंटरेस्टेड है आप में या नहीं है ये भी आपको पता है. गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, यस ऑलरेडी आप लोग एक दूसरे को जानते हो, इस टाइम बात नहीं हो रही आपकी, बट ये पर्सन वर्क करना चाहता है इस पार्टनरशिप पे, ये चाहता है आपके साथ पार्टनरशिप करें, दोबारा से आपके साथ कनेक्शन में आए. और इस टाइम आपके जो क्रश हैं वो चाह रहे हैं आप इस कनेक्शन को, ये जो रिलेशनशिप आपकी पहले थी उसको दोबारा से एक चांस दो, ताकि दोबारा से आप लोग कनेक्शन में आ सकें. पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, किस तरह का कोई रेड फ्लैग है तो गाइज उस पर अटेंशन करिए. आपने किसी तरह के रेड फ्लैग को इग्नोर नहीं करना. किस तरह की कोई नेगेटिव वाइब्स आपको इस पर्सन से आ रही हैं तो डेफिनेटली आप लोगों ने इन्वेस्टिगेशन खुद करनी है. देन वी हैव एक्सप्रेस योर लव, यस ये आपको अपना रोमांटिक जेस्चर शो करना चाहता है, एक्सप्रेस करना चाहता है आपका क्रश आपको लव, बताना चाहता है कि आप में कितना इंटरेस्टेड है, आपसे कितना प्यार करता है और आपके लिए क्या फील करता है. देन वी हैव ट्रस्ट, यस इस पर्सन को पूरा ट्रस्ट है कि चीज़ें इसके फेवर में ज़रूर जाएंगी, ठीक है ना. तो इस टाइम जो भी सिचुएशन चल रही है ये पर्सन को फेथ है पूरा कि इसके फेवर में ही कोई ना कोई फैसला होगा, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स रखता है, ठीक है ना. इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक है. बट मैं इस क्रश का भी एक्शन देखना चाहूँगी कि नहीं नेक्स्ट मूव क्या ले सकता है आपका क्रश. वैसे मैं देखती तो नहीं बट आई वॉन्ट टू सी व्यूअर्स के क्रश का नेक्स्ट मूव क्या होगा उनके लिए, मेरे व्यूअर्स के क्रश उनके लिए क्या नेक्स्ट मूव लेंगे. इंटरेस्टेड तो ये काफ़ी ज़्यादा है. टेम्परेंस, 10 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, यस गाइस 6 ऑफ हैंड्स. ये जो आपका क्रश है ये आपको प्रपोज करेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये आपके साथ विक्ट्री चाहता है, आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, डेफिनेटली खुद को हील कर रहा है. बट यहाँ पे प्रोसेस थोड़ा स्लो है, मैं आपको ऑलरेडी बता दूँ. यहाँ पे 6 वीक्स भी लग सकते हैं कुछ लोगों को आपके क्रश को आप लोगों की तरफ अप्रोच करने में, क्योंकि ये पर्सन फाइनेंशियली जो है स्टेबल होना चाहता है, उसके बाद आप लोगों को एक स्टेबल कमिटमेंट और लव की ऑफर करेगा, क्योंकि यहाँ पे पेशेंस रखना पड़ेगा आपको. टेम्परेंस पेशेंस की बात कर रहा है यहाँ पे, तो पेशेंस रखना पड़ेगा. हो सकता है आप लोग किसी कॉन्वोकेशन पे, किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में कॉन्वोकेशन में, हाँ, या फिर कोई ऐसा फंक्शन हो सकता है आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी में जहाँ पे आप लोगों की मीटिंग हो सकती है इस पर्सन से, तो ये पर्सन आपको वहाँ पे प्रपोज भी कर सकता है, ठीक है, क्योंकि ये विक्ट्री चाहता है, ठीक है. या सो दिस इज योर रीडिंग. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.